बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला के फजल शुक्र कर्म के साथ करते जी आज का व्लॉग शुरू। तो सीन आप देख रहे हैं कि बारिश आई हुई है। सुबह रात काफ़ी ज़्यादा आई थी और ऐसा ही था माहौल। फिर सुबह 11 बजे आई, एक थोड़ा सा वक्त हो गया था, तकरीबन अभी 2 बजे से स्टार्ट बारिश और अभी 4 हो गए, 4:30। और गलियाँ फुल है पानी से, बारिश काफ़ी तेज़ आई है। ये गली तो तकरीबन टोटली फुल है और ये वाली भी, कोई निज़ाम नहीं है पानी निकलने का, सारा निज़ाम ही धर्म भरम है। ये देख रहे हैं आप, ये पानी देख रहे हैं आप, गली में कितना कितना हो गया। ये जी हमारी गली है, ये देख ले फुल है पानी। इधर तो अभी कम है, थोड़ा सा आगे जाए तो बहुत ज़्यादा, तो कोई सेवरेज का निज़ाम नहीं है। दो गलियाँ देखी, ये गली भी देख ले, ये भी फुल है, फुल है पानी से, फूल है। क्या करे बंदा, जल्दी ले आओ यार। हमारे एरिया में स्पेशली तौर पे मोहल्ले में तो कोई काम नहीं करते ये, और जब वोट के दिन आते हैं तो ये बस क्या बोले बंदा इन लोगों को। कुछ लोगों के रिव्यू भी लेते हैं, आप मैं खुद दिखाता हूँ। ये भाई ये गली देख ले, ये 2 नंबर स्कूल है सरकारी, ये हमारे दोस्त के खड़े हैं। तो भाई क्या ये वोटर्स वोट लेने आते हैं सिर्फ इलेक्शन के दिनों में आते हैं या वैसे भी आते हैं, कि चक्कर लगाते हैं आपके पास आजकल, पूछते हैं कोई काम कर रहे हैं, ये वर्क कर रहे हैं, ये हमारा निज़ाम कितने अच्छे से ऐसा है। नहीं, इसमें सबसे पहले जो घरों में चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, जैसे प्लास्टिक बैग इस्तेमाल होते हैं, तो उसी पैमाने पर ये चीज़ इस्तेमाल हो रही है। और आप जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो प्लास्टिक बैग है वो पानी में तहलील ही नहीं होता। नहीं, जो निज़ाम है ये जो पानी का निज़ाम है, निज़ाम बिल्कुल ठीक है, जब मगर जब तक इसमें जो नालियाँ हैं, जो इसके सेवेज सिस्टम है, उसका जो डायामीटर है। एक और गली है, इसकी कंडीशन भी देख ले, टोटली मोहल्ले का पानी जाम है। तो एक और भाई का रिव्यू लेते हैं। भाई क्या ये इलेक्शन के दिनों में आ जाते हैं वोट लेने तो काम नहीं करवाते, क्या ख्याल है? ये कितने अरसे से ऐसा चल रहा है? तकरीबन 3 साल हो गए ये गली की ऐसी ही हालत है। जो आता है वोट का लारा देकर वोट लेकर चला जाता है, दोबारा इधर मुंह नहीं करता। ये हाशमियों ने इधर से अकरम हाशमी ने इलेक्शन जीता है, सलीम हाशमी ने, तो उसके बाद उनको देखा ही नहीं। आज 2 साल हो गए वो इस गली में दोबारा आए ही नहीं, बस ऐसे ही चल रहा है, बस वोट लेने आए थे। हाँ, हमने कहा कश्ती बना के दे दें, चलो 5-10 रुपये हमारा जो है ना रोज़गार चल जाए, लेकिन वो कश्तियाँ भी हमको नहीं बुला के दे रहे थे, 3-5 रुपये भी सवारी दें तो अच्छी खासी रोजी हमारी हो जाए, लेकिन वो भी नहीं बना के दे रहे। तो बस वो वोट के दिनों में तो बढ़िया आ रहे, आपने को मिल रहे थे, मिलते कर रहे थे, अब वो जानते ही नहीं किसी बंदे को। हाँ, आए नहीं, उसके बाद वो नहीं आए। चलो, ये हाल है, ये वोट के दिनों में सिर्फ आते हैं और काम करना हो तो जब ये नज़र नहीं आते, क्या बात है। तो मौसम तो काफ़ी अच्छा बना हुआ है, अभी भी बादल आए हुए हैं, लगता है कि दोबारा बारिश आएगी, अभी बारिश रुकी है तो मौसम बहुत प्यारा बना हुआ है। अभी तक बादल दिखाता हूँ मैं आपको, कर देंगे।
ये जैतून का तेल निकलेगा। सोने पर जा रहे हैं तो ना मौसम की ना सूरत हाल को देख के ना दोस्त की कॉल आई थी कि आउटिंग पे चले गई, तो मैंने बोला भाई ये कंडीशन है, वो मुझे मिला भी इधर आया तो गलियों में इतना पानी कि बाइक नहीं निकल सकती, बंद हो जाएगी। तो सुबह का टाइम फिक्स हुआ है आउटिंग पे चलेंगे, मैंने उसे बोला है। दिल तो मेरा भी था लेकिन क्या करें, हर तरफ पानी पानी, बंदा कहीं निकल नहीं सकता कि कैद हो गए, सभी जगह पे पानी है। ये शाम से तकरीबन रात से पहले ये नहीं निकलेगा, पता नहीं निकलता भी है या नहीं। तो मौसम तो आज कमाल का बना हुआ, ठंडी हवाएं भी और बादल भी अभी काफ़ी आए हुए हैं, शायद अगेन ही बारिश ना हो जाए, ये पूरा वीक ही बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा मेरे ख्याल में। तो अभी छत पे आ गए, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, हवा ठंडी लेने, नीचे तो गर्मी लग रही थी, नीचे गर्मी लग रही है। छत का मंजर दिखाता हूँ आपको, जी अब आ गए हम जी कमरे में, तो बाहर तो निकल नहीं सकते, इधर ही टाइम स्पेंड करना। और आज यार पबजी बंद है, अंदर है तो बंदा गेम भी नहीं खेल सकता, बोरियत सी, बिल्कुल बोरियत, काम भी इतने नहीं। तो टाइम हो रहा है अभी तकरीबन 6 का टाइम, तो बस छोटी सी वीडियो बनानी थी, ज़्यादा वीडियो तो बंदा नहीं कर दे। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।